Audio Jungle. रतलाम जिले के आलोट में पत्रकार के साथ हुई मारपीट के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज पत्रकारों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए एसपी को ज्ञापन सौंपा है। वहीं एसपी ने पत्रकारों को जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। रतलाम जिले के आलोट में पत्रकार दीपक जोशी कवरेज करने गया था, तभी अचानक आरोपी महेंद्र सिंह सोलंकी व बलराज सिंह परिहार और उसके तीन अन्य साथियों ने दीपक जोशी से मारपीट करते हुए उसका मोबाइल छीन लिया था। पीड़ित पत्रकार ने आरोपियों की शिकायत पुलिस थाने पर दर्ज कराई, लेकिन थाना प्रभारी ने मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज करने की बजाय केस को कमजोर कर दिया, जिसके चलते एसपी ने थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पत्रकारों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है। अभी मेरी मुलाकात हुई उनसे, जिनके साथ हमला किया गया है, जो मैंने थाना प्रभारी को बताया है, तत्काल इनका मेडिकल कराया जाए और समुचित धाराएं लगाई जाए इसमें, और जिस तरह से जो अपराधियों के हौसले बुलंद हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी उन्होंने बातचीत में बताया कि इनका मोबाइल फ़ोन भी ले गए हैं वो, तो उसमें समुचित लूट की धाराएं और अन्य धाराएं भी लगाई जाएंगी, और इसमें जो भी लोग इनके पीछे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये तो आम आदमी के लिए भी लागू है, लेकिन चूंकि यहाँ बात पत्रकारिता की है, पत्रकारों के ऊपर जो हमला हुआ है इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पत्रकारों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। गौरतलब है कि पत्रकार दीपक जोशी ने मतदान वाले दिन अवैध शराब को लेकर न्यूज लगाई थी, जिससे नाराज लोगों ने पत्रकार के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। रतलाम जिले से नरेंद्र टाक की रिपोर्ट।